हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज हब में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 7 डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। ये उसका पार्ट सेकंड वीडियो है जिसमें हम आगे की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। टोटल 14 स्ट्रेटजीज थी जिसमें से हम 7 डिस्कस कर चुके थे और अगली 7 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने 7 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो पूरा देखिए जिसमें मैंने बताया हुआ है कि डेस्टिनेशन मार्केटिंग क्या है, डेस्टिनेशन मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी 7 स्ट्रेटजीज हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी उसमें दी गई हैं। एसेंशियल सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिज्म इन इंडिया पास्ट 3 ईयर्स डेटा, ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टॉप डीएमसीज ऑल ओवर द ग्लोब, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को हम एक नया वीडियो लाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 8वीं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है वो है एक्सपीरियंस मार्केटिंग। बेसिकली एक्सपीरियंस मार्केटिंग, मोस्ट ट्रेवलर्स आर मोटिवेटेड बाई एक्सपीरियंसेस, सो इट मेक्स सेंस टू मार्केट अ डेस्टिनेशन दिस वे इंस्टीड ऑफ शोइंग अट्रैक्शन विथ प्रमोशनल मटेरियल टू शो हाउ पीपल एक्सपीरियंस देम। बेसिकली एक्सपीरियंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि यदि आप कोई ट्रेवल एजेंसी चला रहे हैं तो आप अपना काम ऐसे लोगों के साथ कीजिए, अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को शामिल कीजिए जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने किसी टूरिस्ट प्लेस को विजिट किया हो और वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया हो और वह उस एक्सपीरियंस को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को शो अप कर सकें, दिखा सकें, जिससे कि टूरिस्ट के अंदर एक डिजायर क्रिएट हो उस डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए। जैसे सपोज मानिए कोई भी एक एक्टर है और वह किसी डेस्टिनेशन पर जाता है और वहाँ से कोई प्रमोशनल वीडियो अपलोड करता है तो उस डेस्टिनेशन की मार्केटिंग होती है। ऐसे ही इसका मतलब है कि आप किस तरीके से एक्सपीरियंस पर्सन से उस डेस्टिनेशन की मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हैं। वन वे टू डू दिस इज टू स्टिमुलेट द शेयरिंग ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट। आप जो भी आपके कस्टमर हैं जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है उस टूरिस्ट प्लेस का, आप उनकी फीडबैक ले सकते हैं, आप उनके टेस्टिमोनियल वीडियोज ले सकते हैं और उनको आप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा वो उन सारी चीज़ों को देख सकेगा और आपकी सर्विस को भी एक अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकेगा। सो डैट पीपल शेयर देयर ओन मोमेंट्स ऑन योर वेबसाइट्स ऑन सोशल मीडिया। व्हेन यू अचीव दिस यू टर्न योर ओन विजिटर्स इनटू एम्बेसडर फॉर योर डेस्टिनेशन। जब आप ऐसा कर लेते हैं आपकी मार्केटिंग बन जाती है तो जो आपके टूरिस्ट के जो आपके कस्टमर्स होते हैं वही आपके एक ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं आपकी कंपनीज के लिए और आपके जो डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन में आप उनको लेके गए हैं और जो आपने उन्हें फील कराया हुआ है, यदि उनकी गुड मेमोरीज हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ है तो वही आपके बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे एंड आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन होगा। बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का मतलब होता है कि यदि कोई टूरिस्ट ने किसी सर्विस को कंज्यूम किया हुआ है और उसे वह सेटिस्फाई कर देती है सर्विस, तो वह उसकी प्रेज करता है, मतलब उस चीज़ को 10 लोगों को बताता है कि हम लोग वहाँ गए थे, हमने ये सर्विस वहाँ पे कंज्यूम की है और वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। इसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। इसमें आपको किसी भी चीज़ की एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको कोई खर्चा करना पड़ता है। जो सर्विस आप टूरिस्ट को देते हैं वही टूरिस्ट कंज्यूम करता है, उससे एक्सपीरियंस लेता है और उसी चीज़ को अच्छे से लोगों को बताता है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिकॉज इट इज कंसिडर्ड मोर ट्रस्टवर्थी देन हियरिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन विथ अ क्लियर मोटिव। ऑन टॉप दिस VR 360 टूर कैन बी ग्रेट वे टू अलाउ ऑनलाइन यूजर टू एंजॉय देयर ओन एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको एक्सपीरियंस मार्केटिंग समझ में आया होगा। अगली जो स्ट्रेटजीज है वो है वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग। बेसिकली आज के मॉडर्न टाइम में और कोविड के टाइम में तो लोग बाहर जाना ही पसंद नहीं करते थे, तो उस दौर में वर्चुअल मार्केटिंग या वर्चुअल टूरिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे डेवलप करती जाएगी वैसे ही हमारा ई टूरिज्म या वर्चुअल टूरिज्म हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। बोथ वीडियो मार्केट
वीडियो मार्केटिंग एंड वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग कैन गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स बूस्टिंग योर डेस्टिनेशन मार्केटिंग एफर्ट्स. वीडियो कंटेंट कैन बी इजिली शेयर्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. दिस वीडियो कैन प्रमोट लोकल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट और कैन फीचर लोकल पीपल स्पीकिंग अबाउट योर डेस्टिनेशन. बेसिकली आप किसी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उस डेस्टिनेशन की अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं, वहाँ के यूनिक सेलिंग पॉइंट को बता सकते हैं अपने उस वीडियो में, और उस वीडियो को आप यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में अपलोड कर सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, और यदि वह अच्छा लगा कस्टमर को तो वह वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है. तो दैट इज कॉल्ड वीडियो एंड वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग. वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग गोज अ स्टेप फर्दर एंड प्रोवाइड बेट फॉर योर टारगेट ऑडियंस टू एक्चुअली एक्सपीरियंस एस्पेक्ट्स ऑफ योर डेस्टिनेशन फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर ओन होम. दिस कुड बी अ वर्चुअल टूर ऑफ अ लोकल होटल, अ वर्चुअल ट्रेवल एक्सपीरियंस ऑफ अ नियर बाई एंटरटेनमेंट वेन्यू, और 360 डिग्री टूर ऑफ अट्रैक्शन और लैंडमार्क. प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की स्पीड इतनी हाई हो गई है कि वर्चुअल मार्केटिंग का कंसेप्ट और वर्चुअल टूरिज्म का कंसेप्ट बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है. तो टूरिस्ट यदि उस डेस्टिनेशन पर जाना भी नहीं चाहता है और वह वहाँ की चीज़ों को देखना चाहता है तो वो ही वर्चुअल तरीके से इन सारी चीज़ों को देख सकता है. आप उसे इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वह घर बैठे जिस डेस्टिनेशन को देखना चाहे उस डेस्टिनेशन को वह देख सकता है बहुत ही क्लियर व्यू में और 360 व्यू में. तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से सम टाइप्स के ऑडियंस हैं जो इस मार्केटिंग सेगमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, और बहुत सारी ट्रेवल कंपनियां हैं जो इस टाइप के मार्केट को टारगेट करती हैं. दसवां पॉइंट है सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज. सोशल मीडिया जब से फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं तब से हर कंपनी के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसे एडवर्टाइज करने के लिए एक बहुत ही सस्ता प्लेटफॉर्म मिला हुआ है. यहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको चीज़ों को दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो करना है. यदि आपको प्रॉपर तरीके से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन चलाना आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दिखा सकते हैं और उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम सर्व एज एन आइडियल मीन टू रीच पीपल एंड प्रमोट योर डेस्टिनेशन. इसमें आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता है कि आपको ना तो किसी कस्टमर के पास जाना है ना उसे ढूंढना है, सिर्फ आपको अपनी चीज दिखाना है, वो भी सोशल मीडिया पे थ्रू इंटरनेट, और कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे आएंगे, सर्च करेंगे. यदि वो उस टाइप के कंटेंट को जानना चाहते हैं तो वो आएंगे आपकी वेबसाइट पे, देखेंगे और वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आइटिनरी बुक कर सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. द डेस्टिनेशन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑफर हेयर आर ऑलमोस्ट एंडलेस. फ्रॉम सिंपल प्रमोशनल पोस्ट, इमेज एंड वीडियो कंटेंट थ्रू टू कॉम्पिटिशंस एंड इवन वायरल कंटेंट्स और मीम्स. देखा होगा आपने आज के टाइम में मीम्स का ज़माना बहुत चल रहा है कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि कोई भी इंस्टेंट घटता है इंडिया में या वर्ल्ड में उसके ऊपर मीम्स बन जाते हैं. वैसे ही आप भी अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए यदि आप थोड़े सी क्रिएटिव हैं तो आप मीम्स के जरिए, आप वीडियोज़ के जरिए, आप फोटोज़ के जरिए, आप कुछ ऐसे इंसिडेंट के जरिए, एक्टिविटीज़ के जरिए आप अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा मार्केट में एक इमेज बना सकते हैं. एडिशनली मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफर पेड मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज सच एज एडवर्टाइजमेंट्स और स्पॉन्सर्ड पोस्ट. दिस कैन बूस्ट द विजिबिलिटी ऑफ योर सोशल मीडिया मार्केटिंग एफर्ट्स एंड कैन बी एम्ड एट वेरी स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, मीनिंग यू कैन टारगेट पीपल बेस्ड ऑन जेड एज, जेंडर, लोकेशन एंड इवन देयर ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट्स. बेसिकली सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज में, मीडिया स्ट्रेटजीज में भी आप अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफी डिफरेंट एज के पीपल्स से, डिफरेंट जेंडर्स के पीपल्स के लिए और डिफरेंट लोकेशन के पीपल्स के लिए अलग अलग तरीके से पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके वीडियो कंटेंट आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पीपल, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सेट. इलेवेंथ पॉइंट है वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स.
वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स का मतलब होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए अपनी कंपनी में जिनके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हो, जिनके इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो, या कहा जाए कि स्टार पॉपुलैरिटी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा हो। तो आप ऐसे लोगों को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, अपने डेस्टिनेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाइए जिन्हें बहुत से लोग जानते हों, जैसे कि आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा अपनी मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैडी मॉडर्न इंटरनेट यूजर हैव अ नेचुरल डिस्ट्रस्ट फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड अदर ओवरट मार्केटिंग मेथड्स, हाउएवर मैनी ऑफ दीज पीपल मे बी एबल टू बी रीच्ड इनडायरेक्टली थ्रू इन्फ्लुएंसर्स। इन सिंपल टर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स आर पीपल विद एन एस्टेब्लिश्ड फॉलोइंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और देयर ऑन ब्लॉग। बेसिकली बहुत सारी कंपनियाँ जैसी होती हैं जो अपना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करती हैं, उस पर खर्चा नहीं करती हैं, वो सीधे अपना काम किसी एक इन्फ्लुएंसर के साथ करती हैं, उसे कुछ फीस देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, आप हमारे आइटनरीज को, आप हमारे जो भी डेस्टिनेशन है पॉपुलर डेस्टिनेशन उसको आप प्रमोट कीजिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप कंटेक्ट को अपलोड कीजिए, वीडियोज़ को अपलोड कीजिए, जिससे कि जो वो पॉपुलरिटी है, जो वो पर्सन है जिसके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो सारे फॉलोअर्स उस चीज़ को देख सकें और एक इनडायरेक्ट तरीके से वही कंपनी उन सभी फॉलोअर्स के पास अपने मैसेज को पहुंचा सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे आपने दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जैसे रिवाइटल है, तो रिवाइटल एक कंपनी है, रिवाइटल एक ब्रांड है सन फार्मा कंपनी का, और उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है जो उसे प्रचार करता है वो करता है अक्षय कुमार, अभी प्रेजेंट टाइम में। इससे पहले सलमान खान करता था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अक्षय कुमार करता है। तो कंपनी डायरेक्ट तो हर किसी के पास पहुंच नहीं सकती, एक-एक पर्सन के पास पहुंचे, एक-एक स्टेट में, एक-एक सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट में जाके रिवाइटल का प्रचार करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। तो इट मेक्स इट्स देयर ब्रांड एम्बेसडर, वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं क्योंकि उस इंसान को, अक्षय कुमार को, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में सब कोई जानता है। तो वो यदि वो किसी चीज़ का प्रचार करता है तो कंपनी को बिना कहीं जाए हुए ही उसके प्रोडक्ट का प्रचार ऑल इंडिया में हो जाएगा और ये वर्ल्ड में तक में हो सकता है। डैट इज कॉल्ड वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स, देयर फॉलोअर्स टेंड टू लॉयल एंड टेंड टू ट्रस्ट द इन्फ्लुएंसर्स ओपिनियंस मोर देन दे वुड ट्रस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कस्टमर का किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा विश्वास उस इन्फ्लुएंसर्स पर होता है। रिवाइटल पर किसी का विश्वास नहीं है लेकिन अक्षय कुमार के ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है कि यदि वो उस रिवाइटल का प्रचार कर रहा है तो रियलिटी में उसमें कुछ ना कुछ रिवाइटल्स में होगा, या वो चीज़ को खाता होगा या ना खाए वो बात अलग है, बट एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता है उस चीज़ से। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी से जो कंपनियाँ फॉलो करती हैं। बाई पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर से यू कैन प्रमोट योर डेस्टिनेशन अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इवन टू नीच ऑडियंस हु आर देन सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू रिएक्ट पॉजिटिवली टू द मैसेज डैट इज बींग प्रमोटेड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। प्रमोट योर डेस्टिनेशन ऑन ट्रेवल वेबसाइट, बहुत ही सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी से समझने के लिए, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पर आप अपने कंटेंट को अपलोड कीजिए, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, क्या आपकी सर्विस की कॉस्ट है, क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, क्या आपकी आइटनरीज हैं, किस किस तरह की आप सेगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्या आप वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या आप मिड सेगमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या इकोनॉमी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ों को आप अपने एक वेबसाइट में अपलोड कीजिए, जिससे कि यूजर्स को, कस्टमर्स को बहुत ही आसानी से उस वेबसाइट पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके और वह वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग भी कर सके। इससे कि आपका एक तो प्रॉफिट ये होता है कि आपका एक आने जाने वाला टाइम बचता है यूजर्स का, और सारी इन्फॉर्मेशन उसे सारी वेबसाइट से ही मिल जाती है, इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम बचता है। एंड इट इज़ इन एडिशन टू हैविंग योर ओन वेबसाइट्स, डेस्टिनेशन वेबसाइट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू रीच पीपल हु डोंट हैव एग्जिस्टिंग अवेयरनेस ऑफ योर डेस्टिनेशन। ट्रेवल वेबसाइट प्रोवाइड अ परफेक्ट सॉल्यूशंस एंड दिस कैन इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेवल वेबसाइट्स सच एज ट्रिप एडवाइजर, एज वेल एज लोकल वेबसाइट्स और वेबसाइट्स एम्ड एट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स।
There are various ways you can use travel websites to promote your destination, including posting images, publishing stories. आप स्टोरीज बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोज अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, कुछ गैलरीज में आप अवार्ड्स वगैरह डाल सकते हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप शो कर सकते हैं, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स शो कर सकते हैं, आप अपने हिस्ट्री बता सकते हैं कंपनी की, ये सारी चीज़ें आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। वीडियो कंटेंट एंड इवेंट प्रमोटिंग वर्चुअल रियलिटी टूर, जो भी आपके टूर हुए हैं अभी तक के उन टूर का क्या एक्सपीरियंस है, जो बहुत ही बेस्ट टूर हैं उन टूर्स के आप प्रमोशनल वीडियो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके टूर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। यू कैन ऑल्सो यूज ट्रैवल वेबसाइट टू मॉनिटर रिव्यू, रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म एंड इम्प्रूव फीडबैक ओवर टाइम। आईटी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी आता है। सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है आपका, ट्विटर से आपका लिंक्डइन है, इसके बाद आपका आता है इसमें SEO आता है, इसमें ईमेल मार्केटिंग आता है, इसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आते हैं, पेपर क्लिक आते हैं, ब्लॉगिंग आती है इसमें। यदि कोई पर्सन ब्लॉगिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसे अपनी कंपनी का एक पार्टनर बना सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि आप हमारी ब्लॉगिंग कीजिए, आप हमारी कंपनी की पॉजिटिवनेस को दिखाइए अपने यूट्यूब चैनल में। तो उस YouTube चैनल में जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, वो सारे सब्सक्राइबर उस कंपनी के बारे में देखेंगे और उस कंपनी की मार्केटिंग बढ़ेगी। द इंफॉर्मेशन एंड डेटा यू हैव गैदर्ड अबाउट योर विजिटर्स एंड योर टारगेट ऑडियंस कैन बी यूज टू इन्फॉर्म योर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन यू कैन टारगेट सर्च एडवर्टाइजिंग टू स्पेसिफिक रीजन, पे फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड प्रमोट कंटेंट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स योर टारगेट ऑडियंस यूज। पे फॉर डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इसका मतलब है कि आप कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, या कहा जाए कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, कोई अवार्ड शो होता है, तो आप उसमें स्पॉन्सरशिप खरीद सकते हैं, आप उसमें अपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने कंपनीज को, आप अपने डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। In addition, remarketing allows you to reach out to people who have previously engaged with your destination website or your DMO social media channels. It gives you the ability to remind people of your destination, knowing that they have already previously shown interest, which can be great for encouraging them to commit a visit. Basically, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को शो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। लास्ट इसमें हमने 13वीं जो स्ट्रेटजीज थी उसमें हमने पढ़ा था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप ऑफलाइन मेथड से अपनी कंपनी को, बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, आप इनके जरिए आप ऑफलाइन तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। वंस यू नो योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हेन दे आर लाइकली टू ट्रेवल। फॉर इंस्टेंस, सम डेस्टिनेशन अट्रैक्ट विजिटर्स इन द समर मंथ, व्हाइल अदर अट्रैक्ट पीपल फॉर विंटर, सम नाइट होल्ड ग्रेटर अपील एट क्रिसमस और अनदर हॉलीडे। This then make it easier to devise a comprehensive offline promotional strategies. Some of the offline methods you use might include television advertising, telephone advertising, radio advertising, promotional within newspaper and magazines, with the latter for examples. You could pay for advertisements, write features on your destination, and target specific local publications in area where your target audience reside. ऑफलाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, टारगेट प्लेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार की ऑडियंस को आप किस प्लेस पे या किस जगह रहने वाली ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ने कंपनी बिल्ड की, आज कुछ टाइम हुआ आपकी कंपनी को रन हुए, 10 साल हुए, और
10 साल में आप पूरे ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकें, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जा जाकर वहाँ पे बता सकें, टेलीविजन के थ्रू ये संभव है, बट हर कोई टेलीविजन इतना यूज नहीं करता। रेडियो के जरिए संभव है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेडियोज होते हैं हर लोकेशन के लिए। तो एक आपको टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस टारगेट ऑडियंस पे आप सिलेक्ट करें और उसको आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि उस टाइप की ऑडियंस किस टाइप की ट्रैवल करना चाहती है और उस किसी डेस्टिनेशन पर कब जाना चाहती है, किस टाइप की वह टूरिस्ट एक्टिविटी को लाइक करते हैं, कि वह विंटर सीजन में जाना चाहते हैं, समर सीजन में जाना चाहते हैं, दैट इज चॉइस ऑन द डिफरेंट टूरिस्ट। उस टाइप से आप मैगजीन से पब्लिश करवा सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में अपने एडवर्टाइजमेंट कंटेंट को आप छपवा कर उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, जिससे कि वह लोगों पर पहुंच सके। आप टेलीविजन पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एड्रेस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजीज है, बट ये थोड़ा कॉस्टली है, इसमें आपको अमाउंट पेड करना पड़ता है। न्यूज़पेपर में आपको यदि कोई चीज़ निकलवानी है तो पेड करना पड़ेगा, रेडियो में यदि आपको कोई चीज़ एडवर्टाइज करवानी है तो वहाँ पर भी प्रमोशनल अमाउंट देना पड़ता है। दैट दिस इज द कॉस्टली स्ट्रेटजीज, ऑफलाइन प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, बट इट इज इम्पॉर्टेंट्स। ऑल 14 स्ट्रेटजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट योर डेस्टिनेशंस एंड बिजनेस। दिस इज सम एसेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट डेस्टिनेशन। जो मैंने आपको अभी तक 14 स्ट्रेटजीज बताई थी, दैट इज नो एवरीबडी आई थिंक, बट जो मैं अब ये 10 स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये जो स्ट्रेटजीज हैं पर काम करने की ज़रूरत है, मतलब हमको ही नहीं हमारी गवर्नमेंट को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, बट मैं इसे थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। इन प्रेजेंट टाइम वी लुक डेट इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एनी डेस्टिनेशन विदाउट हाई कॉस्टिंग, बट वी हैव टू अटेंशन ऑन क्लीनलीनेस शुड बी अवर अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ डेस्टिनेशन। आई थिंक मैं इस चीज़ को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा तो बेटर रहेगा। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजीज हैं, मैंने खुद ऑन बाई हैंड रिटेन की हैं। पुरानी स्ट्रेटजीज थी वो मैंने उनको लर्न किया है किसी बुक से और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो इसको मैं अगले वीडियो में एक नया वीडियो लाऊंगा, उस पर डिस्कस करूंगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया। जी इनबाउंड इंटरनेशनल टूरिस्ट, इनबाउंड और आउटबाउंड टूरिस्ट यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि इनबाउंड टूरिस्ट क्या होते हैं, आउटबाउंड टूरिस्ट क्या होते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट क्या है, इंटरनेशनल टूरिस्ट क्या है। ये इसका फिगर डेटा है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल 2020 में कितना हुआ है, 21 में कितना हुआ और 22 कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेटजी डेटा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आप दोनों वीडियो को पार्ट वन पार्ट टू को देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्रेस बेल आइकन बटन्स एंड शेयर इट्स टू ऑडियंस। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।